मुजफ्फरनगर ईदगाह सहित सैकड़ों मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज पारंपरिक अंदाज में अदा हुई। इससे पहले ईदगाह में शाही इमाम मौलाना जाकिर ने लोगों को ईद उल अजहा का मकसद बताते हुए तकवा और परहेजगारी को अहम करार दिया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अल्लाह इरशाद फरमाता है कि उसके पास कुर्बानी ना तो गोश्त पहुंचाता है और ना खून, लेकिन तुम्हारा तकवा यानी जज्बा पहुंचता है। नमाज के बाद शाही इमाम मौलाना जाकिर ने मुल्क और कौम की सलामती की दुआ कराई। इस दौरान पुलिस बंदोबस्त काफ़ी सख्त रहे। आपको बता दें कि SSP विनीत जायसवाल नमाज से पहले और बाद तक ईदगाह के आसपास डटे रहे। इतना ही नहीं, ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी। ईदगाह के अलावा शहर की मुख्य मस्जिदों में भी ईद की नमाज अदा हुई। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को पारंपरिक अंदाज में मुबारकबाद पेश की। आपको बता दें कि ईद उल अजहा की नमाज के मद्देनज़र रखते हुए शहर की मुख्य मस्जिदों के आसपास सुरक्षा के मद्देनज़र पुलिस और फोर्स तैनात रही। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।